दीक्षा रिट्रीट ऋषिकेश में कैंप की शुरुआत होती है ओम उच्चारण के साथ और फिर शुरू होती है गुरु प्रार्थना। अपने आसन पर एक आरामदायक सुखदायक स्थिति में लेट जाएं। पीठ के बल अपने आसन पर लेट जाएं। सीधे मन की आंख से अपने लेटे हुए शरीर की चेकिंग कीजिए। गुरु प्रार्थना के पश्चात योग निंद्रा के द्वारा शरीर को रिलैक्स किया जाता है या शरीर का शिथिलीकरण किया जाता है। अपने मन में अपनी दाहिनी टांग का ख्याल कीजिए। मन से अपनी दाहिनी टांग को एकदम शिथिल और ढीला छोड़ दीजिए। अपने मन में अपनी बाईं टांग का ख्याल कीजिए। बाईं टांग को भी मन से एकदम शिथिल और ढीला छोड़ दीजिए। योग निंद्रा एक निर्देशित ध्यान का ही स्वरूप है। अपने मन में अपनी दोनों टांगों का ख्याल कीजिए। दोनों टांगों को मन से एकदम शिथिल ढीला और रिलैक्स कर लीजिए। बस्ती प्रदेश वेस्ट लाइन, अपने बस्ती प्रदेश का ख्याल कीजिए। बस्ती प्रदेश को भी मन से एकदम शिथिल ढीला और रिलैक्स कर लीजिए। पूरी कमर, पूरी पीठ, पूरे मेरुदंड का ख्याल कीजिए। स्पाइनल कॉर्ड, पूरी कमर को, पूरी पीठ को, पूरे मेरुदंड को मन से एकदम शिथिल ढीला और रिलैक्स कर लीजिए। अपनी दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दोनों भुजाओं का ख्याल कीजिए। दोनों भुजाओं को मन से एकदम शिथिल ढीला और रिलैक्स कर लीजिए। उदर, छाती और कंधे का ख्याल कीजिए। उदर, छाती और कंधे को भी मन से एकदम शिथिल ढीला और रिलैक्स कर लीजिए। गर्दन, सिर और चेहरे का ख्याल कीजिए।
गर्दन, सिर और चेहरे को भी मन से एकदम शिथिल, ढीला और रिलैक्स कर लीजिए। अपने पूरे शरीर का ख्याल कीजिए, पूरे शरीर को मन से एकदम शिथिल, ढीला और रिलैक्स कर लीजिए। मन में विचार लेके आइए कि मेरा पूरा शरीर एकदम शिथिल, ढीला और रिलैक्स हो रहा है। मेरे पूरे शरीर में कहीं पर भी कोई अकड़न, जकड़न, दर्द, थकान, सुस्ती, आलस्य नहीं है। अपने पूरे शरीर को शव की तरह, मुर्दे की तरह या डेथ बॉडी की तरह आसन पर निश्चल रूप से छोड़ दीजिए। आपके शरीर में और डेथ बॉडी में अंतर है तो सिर्फ इतना कि आपके शरीर में श्वास प्रश्वास की क्रिया मात्र हो रही है। पूरे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई हलचल, मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। पूरा शरीर एक आरामदायक, सुखदायक स्थिति में आसन पर लेटा हुआ हो। संपूर्ण विश्राम की अवस्था में अपने पूरे शरीर को छोड़ दीजिए। मन में विचार लेके आइए कि मेरा पूरा शरीर एकदम शिथिल और ढीला हो रहा है। मेरा पूरा शरीर एकदम शिथिल और ढीला हो रहा है। शरीर चेतना के द्वारा शरीर को निश्चल, शिथिल, स्थिर व दृढ़ बनाना है। अपनी एक एक श्वास का ख्याल कीजिए। जो श्वास अपने आप अंदर जा रही है और अपने आप बाहर आ रही है, उन प्रत्येक श्वास प्रश्वास का ख्याल। कोई भी श्वास भूलना नहीं। आपकी अनुमति के बिना कोई श्वास अंदर और कोई श्वास बाहर नहीं आनी जानी चाहिए। प्रत्येक श्वास प्रश्वास में अपना ख्याल बनाए रखें। अपने मन को अपने श्वासों में टिका दीजिए। जैसे जैसे आपका मन श्वास अंदर जा रही है, वैसे आपका मन भी अंदर जाना चाहिए, और जैसे श्वास बाहर आ रही है वैसे आपका मन भी बाहर आना चाहिए। प्रत्येक श्वास प्रश्वास में अपने मन को टिका के रखिए। जैसे जैसे आप अपने मन को अपने श्वासों में टिकाते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी श्वास प्रश्वास लंबी, गहरी व सूक्ष्म होती चली जाएगी। जब आपकी श्वास प्रश्वास लंबी, गहरी, सूक्ष्म हो जाएगी, तब आपके शरीर की प्राणिक हलचल भी शांत, गंभीर, समरस हो जाएगी। जब शरीर की प्राणिक हलचल शांत, गंभीर, समरस हो जाएगी,
तब आपका मन भी शांत गंभीर व एक रस होने लगेगा। श्वास चेतना के द्वारा श्वासों को लंबी गहरी व सूक्ष्म बनाना है। यह सव आसन की स्थिति है। जब कभी भी आपको सव आसन शब्द सुनने को मिले, तुरंत इस स्थिति में आपने आ जाना है। शरीर चेतना के द्वारा शरीर को निश्चल शिथिल स्थिर व दृढ़ बनाना है। श्वास चेतना के द्वारा श्वासों को लंबी गहरी व सूक्ष्म बनाना है। आपके शरीर में जोड़ ज्वाइंट होते हैं, जहाँ से होकर पूरे शरीर में नस नाड़ियाँ गुजरती हैं। उन ज्वाइंटों में अकड़न जकड़न स्टिफनेस आ जाने के कारण वहाँ पर प्राण व रक्त का संचार में रुकावट आने लग जाती है, जिसकी वजह से अनेक तकलीफें आपके शरीर में आने लगती हैं। तभी उन ज्वाइंटों को उन जोड़ों को रिलैक्स करने के लिए लूज करने के लिए एंटी रूमेटिक लूजनिंग या सूक्ष्म व्यायाम के कुछ अभ्यास करेंगे। योग निद्रा के उपरांत समय होता है सूक्ष्म व्यायाम का। सूक्ष्म व्यायाम क्या है, इन्हें कैसे किया जाता है और इनको करने से शरीर को क्या क्या फायदे होते हैं, ये सभी बातें कैंप में विस्तार पूर्वक बताई जाती हैं। सूक्ष्म व्यायाम करने से हमारे शरीर को आगे की क्रियाओं और ट्रीटमेंट के लिए तैयार करवाया जाता है। दोनों पैर सामने फैलाइए, ऐसे दोनों पैरों को सामने फैला के बैठिए। दोनों हाथ से सपोर्ट दीजिए कमर को। सूक्ष्म व्यायाम का पहला अभ्यास पैर की उंगलियों के लिए है। पैर की उंगलियों को अधिक से अधिक मोड़िए आराम आराम से, जितना आप मोड़ सकते हैं उतना। वापस सीधा कीजिए। दो पैर की उंगलियों को मोड़िए, वापस। तीन, वापस। चार, वापस। पांच, वापस। दूसरा अभ्यास, दोनों पैरों को सामने की तरफ झुकाइए अधिक से अधिक, जितना आप झुका सकते हैं। वापस अपनी तरफ लेके आइए अधिक से अधिक। पिंडलियों में काफ मसल्स में खिंचाव होना चाहिए। दो सामने झुकाइए जितना आप झुका सकते हैं। वापस अपनी तरफ लेके आइए। तीन, दो,
ये चार अभ्यास आपने पैर की उंगली से लेके घुटने के लिए किए। अब अगला अभ्यास कमर के लिए है। कमर का पहला अभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम का पांचवा अभ्यास, नाड़ी संचालन की क्रिया। दोनों पैर सामने फैला के रखिए, कंधे के समान उठाकर दोनों भुजाएं फैलाइए। हाथ के अंगूठे को छुओ, बायां हाथ पीछे ले जाकर थोड़ा ऊपर उठाकर दूसरे हाथ को देख रहे हैं। वापस अधिक से अधिक दोनों पैरों में फासला रखिए, जितना आप फैला सकते हैं। कंधे के समान ऊंचाई पर दोनों भुजा लीजिए। एक, वापस, दो, चार, पांच। उल्टा कोहनी नहीं मोड़ना, कमर को ट्विस्ट करना। चार, तीन, दो। अगला अभ्यास हाथ की उंगलियों के लिए। भुजाओं को सामने कीजिए, अंगूठे को अंदर रखते हुए चारों उंगली से पूरी ताकत से दबाइए अंगूठे को। अंगूठे को अंदर रखो, जितनी ताकत है पूरी ताकत से दबाइए। खोलिए, तानिए जोर से, पूरी ताकत से तानिए कि उंगली में कंपन होने लगे। दो, जोर से दबाइए। खोलिए, तानिए जोर से। तीन, अंगूठे को जोर से दबाइए। खोलिए, तानिए जोर से। चार, खोलिए, तानिए। पांच, खोलिए, तानिए। उंगलियों को तो मजबूत करता है यह अभ्यास। जब आपको तनाव, टेंशन, इरिटेशन, क्रोध, भय, चिंता जब कभी भी हो, 5 मिनट इस अभ्यास को कर लो, उसी वक्त आप रिलैक्स हो जाएंगे। अगला अभ्यास हाथ की हथेली के लिए। दोनों भुजाओं को सामने कीजिए, हथेली को सामने कीजिए। एक, वापस, दो, वापस, तीन, वापस, चार, वापस, पांच, वापस। अगला अभ्यास कलाई के लिए है। हाथ में बॉडी का बैलेंस रखो। दाहिने हाथ की कलाई सामने, अंगूठे को अंदर रखते हुए हल्की मुट्ठी बांधिए। गोल गोल घुमाना है कलाई को, आराम आराम से पूरा। एक, पूरा गोल गोल आराम आराम से घुमाना। यदि फटाफट घुमाएंगे तो राउंड
अच्छा एक सर्वाइकल क्लोजिंग शोल्डर चेस्ट के लिए रेस्ट के लिए उपयोगी अभ्यास है ये। अगला अभ्यास कराइए आठ सात बाएं कान को बाएं कंधे से टच कराइए छह वापस वापस हाथ को भी ना छोड़ो सात कमर को ट्विस्ट देना है बॉडी बिल्कुल लूज रखो हाथ ढीला छोड़ो बॉडी लूज रखो कमर को ट्विस्ट दीजिए वापस आठ वापस नौ वापस दस वापस शवासन में लेट जाइए क्रिया कर लेंगे तो उसके बाद फिर पहला प्राणायाम है सुखपूर्वक प्राणायाम लेफ्ट से श्वास अंदर लेना राइट से छोड़ देना फिर राइट से अंदर लेना लेफ्ट से छोड़ देना ये एक आवृत्ति है एक बार है पांच आवृत्ति करना पांच बार लेफ्ट से श्वास अंदर राइट से बाहर राइट से अंदर लेफ्ट से बाहर ये एक आवृत्ति है पांच आवृत्ति सुखपूर्वक प्राणायाम करना से जो भी ध्वनि निकालना उसको मन लगाकर सुनना ध्यान पूर्वक श्वास अंदर लीजिए
थूम को मल लीजिए।